मुंबई के तीन सबसे खतरनाक डॉन जिनसे पूरा मुंबई कांपता है। नंबर वन, टाइगर मेमन। ये वही टाइगर मेमन है जिन्होंने 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में अपना भागीदारी दिखाया था, जहां सीबीआई और इंटरपोल जैसी कई सारी एजेंसी कई सालों से टाइगर मेमन को ढूंढ रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी खुफिया एजेंसी टाइगर मेमन के तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं मिला। नंबर टू, करीम लाला। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान में हुआ और ये ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद करीम लाला हीरे और जेवरात के तस्कर बन चुका था। 1940 आते आते करीम लाला तस्करी का बेताज बादशाह बन गया और साथ साथ उस समय करीम लाला ने जुए और दारू के अड्डे भी खोले। नंबर वन, दाबेद इब्राहिम। ये भारत के मोस्ट गैंगस्टर को कौन नहीं जानता होगा, जहाँ मुंबई के पुलिस अफसर का बेटा दामोद इब्राहिम, जो जुर्म के दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह बना।